दक्षिण भारत से केरल के वित्त मंत्री थॉमस आइजैक ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कैग एक वॉच डॉग की नहीं बल्कि केंद्र सरकार के हंटर डॉग की भूमिका अदा कर रहा है। थॉमस आइजैक ने ये आरोप ऐसे समय में लगाया है जब कैग ने केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड की संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। थॉमस आइजैक ने तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि कैग आरएसएस के सीधे प्रभाव में है और वो केरल के विकास में रुकावटें खड़ी कर रही है। उनके इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि कैग की उस रिपोर्ट को अभी विधानसभा में पेश किया जाना बाकी है। बाद में आइजैक ने इस बात को माना कि वो इस बात से अनजान थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री दैट ए सीएजी'स रिपोर्ट बिफोर प्लेसिंग बिफोर द असेंबली हैज बीन लीक्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड हैविंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन दैट। दिस इज ग्रॉस वायलेशन against the rules of the assembly. I had written a letter to the speaker to intervene in this matter because he has totally flouted the norms, rules of the assembly and insulted the assembly's prestige. So as leader of the opposition, I am demanding for his resignation as early as possible.